चैनल का नाम बताओ। बोल पीटी बोल पीटी बस अपने चैनल का बोल दे। नहीं नहीं मैं छोड़ दिया। क्यों मना कर दिया? मोबाइल के बिना फिर रहे चैनल पे क्या करना? मोबाइल तोड़ने का शौक जो इतना। नहीं कल हम लोग साथ में खाना खाया तो वो दिया था फयाज ने का मोबाइल मुस्कान में भूल गई थी। मैं गाड़ी में चली गई थी जब लिया मैंने नीचे रखा उसके बाद मैं एक मिनट आगे भी मैंने कहा यार मेरा मोबाइल लाइट नहीं बहुत तेज है। मैंने उठाया तो पूरा वो मैंने कहा वाओ मुझे उसके बाद मैं पीछे 9912 शक्ल नजर आ रही है ना इनकी वजह से वरना बम फटा होता। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट भी लगी हुई अभी मेरा बच्चा तो लगा के आती है। हां लगा के आती है लोग ऐसे लोग को असली याद है यहां पे पिंपल हो रहे थे। हां तीन चार दिन हो गए ये वाली मेरी जो आई है ना इससे परेशान हूं। कौन सी क्रीम यूज की? की बड़ा सीक्रेट है मैं की बताओ मैं बताऊं फायजा बताऊंगा ये अच्छा लग रहा हूँ इनकी वजह से। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक। और आज हम आपके यहाँ एक बार फिर से सामने आए हैं। जानते होंगे आप मुझे क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे चैनल को कर चुके हैं। आज हम जिनको लाए हैं अपने साथ उनको आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया है पिछले 3 से 4 हफ्ते हुए हैं और फाड़ फूट दिया है। सो डांस में जो उनकी महारत है वो इसको देखे तो सीन बन गया भाई। क्या हो गया भाई? मैं वीडियो बना रहा हूँ व्लॉग तो आपका घुटना आ रहा था उसके अंदर। ओके वेलकम बैक। और अच्छा जी आज जो हमारे साथ यहाँ गेस्ट मौजूद हैं उनको आप लोग सब जानते हैं और बड़े ही क्लास के डांसर हैं। ऐसा एक दफ़ा डांस मैंने किया था तो मेरी जो टांगे थी ना वो यूं हो गई थी यूं भी हो गई थी। इसके टांगों के दरमियान में लासू पड़ गए लासू। ये जैन भैया मुँह ऐसे जैसे पहलवान के कछुओं में दाना निकला होता है इनका। ओ लगन 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 लग गई मैं तुमसे मेरी लगन लगी जी। ये अमूमन होता है ऐसा वो दो मुंह वाला। हाँ चार्जर प्लग भी होता है चार्जर भी होता है और तेरे मुंह से निकल गई ऐसी चीजें भी होती है। खैर इनको हम वहीं रखेंगे। हम बात करेंगे अपने उस गेस्ट की और उनकी सबसे पहले एक निशानी दिखाता हूँ। कैसा दिया समझ तो गए होंगे आप लोग कि आज मैंने किसको बुलाया। एक छोटा सा और हिंट दे देता हूँ उनका नाम है अब्दुल्ला। ओ यार ये तो मैंने नाम बता दिया यार ये क्या कर दिया। सो वेलकम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। और उसके बाद थैंक यू सो मच जितना मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मैंने आपको टाइम दिया। अरे यार बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये चश्मा भी इनका है सो मैंने लगा लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी अब्दुल्ला भाई आपसे पहला सवाल ये कि इतने बड़े बाल रखे हुए हैं शैम्पू का तो पूरा ड्रम आता होगा ना कहीं कॉन्टैक्ट तो नहीं किया होगा कंपनी से? ये मैंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है एक कंपनी से उसका नाम नहीं लूंगा। ओके तो मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उनके ट्रक आते हैं मेरे पास। ओ, मतलब ट्रक आता है एक शैम्पू का। कहाँ का बालों के अलावा और कहाँ लगाते हैं? बालों के अलावा मैं बस बालों के अलावा। अच्छा मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि इंसान बालों के अलावा भी पूरी बॉडी पे लगा लेता है। बालों पे लगाते हैं क्योंकि हमारे साथ जैन भाई हैं तो वो सर पे शैम्पू नहीं लगाते कहीं और लगाते हैं।
तो ये सब चीजें चलती रहती है हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो हरकतें लग रही थी, उनके अंदर जो एक पावर लग रही थी, पता चल गया। तो ये सब चीजें चलती रहती है। मैं बार बार चश्मा तो उतार रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना दूर कर रहा है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं नजदीक कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, डांस करना कब लगा कि यार मेरे अंदर एक डांसर है जो मुझे करना चाहिए? यार अपने कजनों की शादी में करता था डांस, कजन की शादी में, और फ्री में, फ्री में, कोई पैसे नहीं, खाना भी नहीं खाना है, ओके ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे टीचर्स के हाथ में आया, ओके, उन लोगों ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि डांस नहीं करना है, आपके अंदर एक आर्टिस्ट है। ओ गुड, अच्छा, आपको पहचाने, पहचाने, पहचाना आपने? मैंने पहचाना, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, लेकिन मेरे अंदर एक औरत भी है। ओ माय गॉड, मतलब एक शरारती, क्योंकि एक औरत का होना बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, घर में होना चाहिए, वैसे तो ऐसा होता है, हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमारे जमीर में भी एक औरत है। अरे बिल्कुल अच्छी बात कह रही। अच्छा एक बात बताइएगा, ये आप जो ड्रेसिंग करते हैं उसके बावजूद इतना मुश्किल स्टेप कर रहे थे, कैसे? हाउ? इंग्लिश भी आती है मुझे कभी कभी, बहुत तेज आती है। हाँ मुझे सुबह बहुत आती है। अच्छा, उसके बाद फिर कम हो जाती है। तो ये सब चीजें। अच्छा जी, तो ये भाई आपने सवाल किया मुझसे मेरे कपड़ों के हवाले से, जी जी, और मैं इसमें डांस कैसे कर लेता हूँ, तो अगर आपके अंदर कोई चीज है और वो आपको काट रही है, अभी जान भाई को काट रही थी, तो बिल्कुल ओके, तो वो आपको सब कुछ करवा देगी, सब कुछ करवा देगी। मुझे डांस का कीड़ा है, कीड़ा है जी, नहीं नो डाउट। जो आप डांस करते हैं, एक होता एक लोगों की होती है कि बॉडी डांस कर रही है, और बॉडी के साथ आपका फेस भी साथ में डांस कर होता है ना, तो वहाँ मजा आ रहा है एक्सप्रेशन, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो जब भी ये डांस करते हैं, मैं उठकर सामने आ जाता हूँ और प्रॉपर तरीके से डांस देखता हूँ, और मैं सीख भी रहा हूँ। एक दो वीडियो डाली मैंने टिकटॉक पर, देखेगा। ये तो मोहब्बत है आपकी? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका बड़ापन है, मोहब्बत है आपका बड़ापन है। आप हमारे उस्ताद हैं अगर डांस में देखा जाए, सो मेरे हमारे जो उस्ताद थे, हमारे जो बड़े थे, वो हमें कहते थे कि बेटा आपको अगर कोई एक क्लास भी सिखाना तो आपको उस्ताद है। ये तो आधा तरीका कॉल जी, बिल्कुल ये सही है। तो हमने स्कूल्स में पढ़ा था, सो हम उसी हिसाब से चल रहे, क्योंकि ऑल बॉयज से पढ़े हुए थे, तो लड़कियां जो थी वो होती नहीं थी, तो दिमाग सिर्फ फोकस रहता था अच्छी बातों पर, तो ऐसा भी हो जाता है। अच्छा एक छोटा सा और सवाल था, डांसर बनने के बाद इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, लोग मोहब्बत भी करते हैं, लड़कियों के मैसेज मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि जी अब्दुल्ला से कहें हमें रिप्लाई करें, अब्दुल्ला से कहें कि हमें मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते हैं, वो इतने गुड, कैसा फील करते हैं लड़कियों में, ऐसा क्रश बन चुके हैं आप? यार मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूं, ओके, लेकिन अक्सर इतना बिजी होता हूं, अभी आपको पता है ना, अभी कॉल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो यहां से निकलने के बाद शूट पे जाना होता है, मैं वेडिंग कोरियोग्राफीज भी करवाता हूं। ओह माय गॉड, मेरा अपना ग्रुप भी है, तो मैं जिसको शादी करनी है मतलब करवानी है, परफॉर्मेंस करवानी है, परफॉर्मेंस करानी, सॉरी ये आंटी नहीं है, शबाना आंटी नहीं है, हां रिश्ते लिए वो बल्कीस आंटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो ये उसके, अच्छा ओके कंटिन्यू। फिर उसके बाद मुझे शूट पे जाना होता है, तो आप लोगों को जवाब नहीं दे पाता, और अगर मैं आपको जवाब ना दूं तो आप इनसे बात कर लिया करें। नहीं ऐसा कुछ ये नहीं, मुझे बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी मैं सब बता देता हूं। ये जो बड़े बाल रखे हैं आपने, ये चश्मा मैं कट रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ जगह बनाओ, ये अच्छा आ गया, हम ना थोड़ा सा इसको धक्का दें पीछे कुर्सी को, ओके अब सही आ गया। क्या कह रहा था, हाँ बाल, ये कह रहा था कि ये जो बाल इतने बड़े रखे हैं, इनका नुकसान हुआ कभी? हाँ हुआ है, मम्मा ने पकड़ के खींच दिया, स्टार हो गए, बाहर हो गए, यहाँ तो यही नुकसान हुआ है। घर के कौन से काम करते हैं? घर के मैं सारे काम करता हूँ, अपने घर का सबसे छोटा हूँ। अच्छा मतलब दही भी आप लाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अरे जा दही लेके, अब तो मैं दही लेने जाता हूँ, मुझे लोग पकड़ लेते हैं, हाय बड़ी मुश्किल से आना है, बोलते अब्दुल्ला भाई दही लेने आ जाया करो, फ्री में दे दी ना, फ्री में दे दी, फ्री में ले जाओ अब्दुल्ला भाई आपकी कोई बात नहीं आप ले। अच्छा कभी दही के अंदर डबल शॉपर करके ऐसे घुमाते हुए लाया आपने? हाँ बचपन में लाया। ओके जी वापस आ चुके हैं, थोड़ा इशू हो गया था लाइट का। अच्छा जी जैन भाई, अब्दुल्ला भाई सॉरी, वो अभी जैन भाई के कीड़े की बात चल रही थी तो रह जाता है। जैन हमारा बहुत जज्बाती है वैसे। जी बिल्कुल, जज्बात भी कभी कभी सर टकरों मार देता है, पिछले दिनों सर तोड़ दिया था, टक्कर मार दिया, तो ये चीज़ें चल, ग्लास तोड़ दिया था, ग्लास तोड़ दिया था, ऐसा भी होता था, पाँच माइनस हो जाते हैं हमारे, हाँ पाँच माइनस भी हो गए थे जैन की वजह से, छोटे गिलास रखे ना, हाँ क्योंकि उनकी हाइट इतनी है, वो अगर ऐसे भी करते हैं तो बंदा बाहर जाके गिरता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना ऐसे बाहर जाते जाते दीवार से बोलते बेटा अपनी चादर ठीक कर लो, तो हाइट इतनी उनकी है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपसे ये पूछना था, एक छोटा सा सवाल था, घर में मतलब आपको डांट वाट पड़ती है मम्मा से, स्टार होंगे बाहर होंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो हैं चलती रहती हैं, इसके अलावा दोस्तों में भी चलती है भाई, दोस्तों मेरे भी हैं, वो पता क्या कहते हैं भाई जा यार काम यार, तो वही है मतलब जो था वो है, वही है ऐसा ही है, तो ये तो दोस्तों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी किसी फैन पे क्रश हुआ है? किसी फैन पे क्रश नहीं यार, यार असल में मैं समझता हूँ ये करना नहीं चाहिए, अच्छा दिल टूट जाते हैं ना यार। हाँ बिल्कुल, जेब में कितने पैसे लेके चलते हैं यार? मैं ओवरऑल कभी एटीएम कार्ड लेकर चलता हूँ साथ, नहीं कैश कितना लेके चलते हैं? कैश ज़्यादा नहीं, कितना? 4-5 हज़ार अभी हैं, अभी है बैग में मेरे, लाऊं 1000
एक्चुअली भाई ये छोटे छोटे शो करके ना मैं इन्हीं से पैसे ले लेता हूँ, तो मेरे पास पैसे वैसे के मामला देते हैं और इनके व्लॉग के पैसे आते ना वो हमें देते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है यू नो। अच्छा एक फैंस के लिए आपके लिए ये किया मैंने कि आप लोगों से मैं कराऊंगा टी शर्ट पे साइन, ठीक है, वो आपके फैन मुझे करेंगे कमेंट्स, उसके अंदर जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस कमेंट्स के ऊपर हम उनको भेजेंगे वो टी शर्ट, ठीक है। और मज़े की बात, जब वो टी शर्ट उनके पास पहुंचेगी वो क्या करेंगे, 10 सेकंड की वीडियो बनाएंगे शर्ट के साथ और मुझे भेजेंगे, डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पे, और वो शर्ट की जो वीडियो है मैं अगले ब्लॉग के अंदर लगाऊंगा। जबरदस्त, सो अपने फैंस को रेडी कर दें, गुड आइडिया, फैंस सब रेडी हो जाएं। आप अपना चैनल बताएं, बाबर नवाज के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे जाएंगे बाबर नवाज लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा, तो ये सब बाबर नवाज के चैनल पे आपको मिलेगी हमारी टी शर्ट। आप लोगों ने करना है वहां पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट और आप हो जाएंगे उस शर्ट के हकदार। हकदार। मीठे में क्या पसंद है उनके अलावा? मीठे में डैनी पसंद है। ये मीठे में मुझे सब पसंद है। सब मतलब सब पसंद, जितने भी जो मीठा होता है ना मुझे बड़ा पसंद है। मीठे वैसे होते भी बहुत प्यारे हैं। ये ऐसे क्यों होता है? डैनी को जानते हैं आप लोग? डैनी को मेंशन करिएगा ये चीज। डैनी को जरूर मेंशन करना, बहुत अच्छा डांसर है वो। हाँ। पाकिस्तान का बेस्ट डांसर है वो, जैज। तो उफ। तो मीठे में क्या है? वो जलेबी बनाता है। मीठे में वो डांस बनाता है। ये सब चीजें जल्दी रहती घटी मिट्टी। अच्छा ये बताएं यहाँ आके आपको कैसा लगा? मतलब यार बहुत अच्छा लगा यहाँ। बॉल टीवी से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत ज्यादा पुराना ताल्लुक है मेरा बॉल टीवी से। ओके, चटपटा चौक एक ड्रामा है जी, बहुत पुराना ड्रामा है। okay. उसके अंदर मैं आपको बताऊं, मैं बैक स्टेज डांसर हूं। ओके, ठीक है। बहुत सारे बैक स्टेज डांसर हैं माशाल्लाह जो अब स्टार बन रहे हैं। ओके, हमारे और भी टिकटॉकर्स हैं जो बैक स्टेज डांसर हैं, इसी तरीके से सिकंदर भाई, मैं अभी उनको भी लूंगा जी। वो घूम रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हमारे कोरियोग्राफर भी हैं। मैं कोरियोग्राफर हूं, सब लोग कोरियोग्राफी करते हैं लेकिन हम लोग बैक स्टेज डांसर हैं। मैं आपको बताता हूं बड़े नाम जो बैक स्टेज डांसर हैं, शाहिद कपूर। ओके, बैक स्टेज डांसर रणवीर सिंह, बैक सुशांत राजपूत जिसे सुसाइड की, बैक स्टेज। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो बैक स्टेज डांसर हैं, जो एक्टर बने और बैक स्टेज डांसर में ये एबिलिटीज होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। और फैसल भाई के साथ और दूसरे एक्टर्स के साथ पाकिस्तान में हम लोग काम करते रहते हैं। टिकटॉक ये गेम्स अभी हम लोगों ने शुरू किया है, कितने हफ्ते हुए हैं? अभी 3 हफ्ते हुए होंगे, हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, कल होगा 3 हफ्ते, कल पूरे होंगे। तो हमें 12 दिन हुए और 12 दिन में हम लोगों ने अभी तक जो किया आप लोगों के सामने, वो बेसिकली हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोग अपने काम। नहीं नहीं बिल्कुल, आप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा आपसे एक ये सवाल था कि कभी चोरी की है? हाँ, मतलब किसी ने डिजाइनर शर्ट ली और पहन के करने के लिए? नहीं नहीं, ये नहीं किया। ऐसा नहीं, पैसे चुराए मैंने, मार पड़ी, पता ही बता दो। सच्ची मोहब्बत हुई है कभी? सच्ची मोहब्बत हुई है। हाँ नहीं, वैसे चेहरे से लगता नहीं कि आपको कहीं मोहब्बत हो। मैं बहुत तेज हूँ, मैं यहाँ पर मोहब्बत रहता हूँ। नहीं मोहब्बत मेरी वैसे भी बहुत तेज हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चुप रहता हूँ कि यार बस। नहीं सिकंदर भाई आप जा रहे हैं? बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हम भी चैनल बनाने वाले हैं बहुत जल्द, अब्दुल्ला जावेद ऑफिशियल के नाम से। यस, तो उनको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और भी कुछ दबाएं करें। हम यहाँ एक बार फिर से लेने वाले हैं उस शख्स को जिनको देख के मैंने अपने आप को बदला। मुझे मेरा हाथ थक रहा था, मैं कहीं सोच रहा था। ओके, तो मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं नहीं, आपके लिए, आपको थक, आप हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि थैंक यू सो मच, आपका सब जानते हैं। और उन्होंने आते ही जो क्लास बनाई है डांस के हिसाब से, सो ओवरऑल उन्होंने फाड़ फूड के रख दिया है सबको। और क्या बात है उनकी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो नाम आप लोग सब सुन चुके हैं, सिकंदर भाई, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। सर मेरा वैसे पूरा नाम है सिकंदर कॉप्स के नाम से, आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। और कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर पहला सवाल ये था कैसे आना हुआ? अच्छा मेरा कहने का मतलब ये था, सॉरी, ये छोटा मोटा चलता रहता है। डांस में कैसे आना हुआ? डांस में कैसे आना हुआ, मेरी खाला PIA में होती हैं, तो उनके एक जियो के डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। तो मैं 2005 में जब मैं 17 साल का था, ओके, तो उस वक्त मेरी खाला ने मुझे बोला जाओ ऐसे गेम शो हो रहा है, तुम okay. जो थोड़े से टैलेंटेड हो, थोड़े से टैलेंटेड लगते हो खानदान okay. में, तो तुम okay. जाओ वहाँ जाके तो ट्राई करो। तो मैंने वो गेम शो विन किया जाके okay. और अब उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया। कभी ऐसा डांस किया हो जो देखने का, जब कर रहे थे तो लगा यार क्या परफॉर्मेंस दी, और देखने अबे यार ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ हुआ?
नहीं, अल्लाह का शुक्र है सारे एक्सपीरियंसेस माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे, शादीशुदा माशाल्लाह। अच्छा, वो हमारे सुहेल वाले साहब हैं, उनके अंदाज में उन्होंने एक सवाल किया था शायद भाई से, शायद अफरीदी साहब से, उनके अंदाज में करूँगा। बोले बोले, शोहरत मिल गई, पैसा कमाया, मीडिया पे फैन फॉलोइंग भी है, शादी जल्दी कर ली, अफसोस तो होता ही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार ये मैंने क्या कर लिया? कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं। अच्छा, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह, मेरी वाइफ का भी ताल्लुक जो शोबिज़ से। जब आप डांस कर रहे होते हैं लड़कियों के साथ तो ऑब्वियसली आप पकड़ते हैं, घुमाते हैं, उठा के फेंकते हैं, तो ये तो होता है, उनको गुस्सा नहीं आता कि मतलब ये क्या कर रहे हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसी बीवियाँ सबको मिले कि उन्होंने इनको पूरी छूट दी हुई है कि भाई आप जो कर सकते हैं किया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने स्टार से शादी की है तो लड़कियां तो मरेंगी, तो जितनी मरे अच्छा है। तो ऐसा कुछ है ये मूछें रखने का कोई खास वजह? मूछें रखने की वैसे ऐसा कोई खास वजह नहीं है, बट ये है कि ये मेरे खानदान की रिवायत है। ओके, तो मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे अब्बू, तो उन लोगों ने रखी है, तो मैं देख के इंस्पायर। एक सवाल और रहता है मेरा इस हमेशा इंटरव्यू के अंदर सबसे, शैम्पू बालों के अलावा और कहाँ लगाते हैं सर के अलावा? मेरी बेटी डालती है जब टॉयज बनाते हैं ना, स्लाइम वगैरह ऐसी चीज़ें, या बबल्स बनाती है ना। बबल्स आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर के अलावा? दाढ़ी में। ओके, और लेकिन वेरी नाइस। अच्छा, अगर कुछ लोगों को जैसे कि अगर उनका नाम लिया जाए तो पहली सोच क्या आती है? तो मैं उनको नाम बताऊंगा, सही है, कुछ भी फनी हो सकता है, जो दिल जाए। तो फटा तो हमने कराना नहीं है। अब्दुल्ला जादू, शराबील, शराबील नाम है, क्या नाम है? शराबील, 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 छोटा सा 45 किलो का दिल 45 किलो का। अच्छा, जैन, जैन क्लास, क्लास है, वेरी गुड। सामा, सामा स्पार्क, स्पार्क मतलब हर टाइम कहीं भी एनर्जेटिक है बहुत, माशाल्लाह। दिल का भी बड़ा ना, वो क्या कहते हैं, नर्म, इमोशनल टाइप का, इमोशनल बहुत है। अच्छा, सामने लेकर टीम में आए तो अगर किसी को लेकर चलना हो कि यार ये मुझे अच्छी लगी, क्यों लाजमी नहीं कि किसी और अंदाज से शादी हो चुकी है अच्छे अल्फाज से, सो आपको कौन कहाँ लगता है, 1 2 3 4 5 आपने उनको कौन डाउन देना है कि कौन कहाँ है? ठीक है, 5 से शुरू करें, जैसा आपका दिल जाए। चलो मन से शुरू कर लेते हैं, जिसमें नाम है हफ्सा है, ईशा है, आमना है, अल्लाह सारे सारे जितने सही, तो उनको आपने कौन डाउन देना है? सही है, 8 लोग हैं, तो पहले नंबर पे आप किसको रख रहे हैं? फयाज, फयाज को। दूसरे नंबर पे किसको रख रहे हैं? दूसरे नंबर पे आमना, आमना। तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे एक सेकंड, एक सेकंड, नबील, नबील। चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे एक सेकंड, ईशा है, लड़कियाँ कौन है? ईशा है, आमना है, हफ्सा है, हफ्सा लास्ट, हफ्सा है, हफ्सा। ओके, फाइव पे? फाइव पे बिलाल, और बिलाल रह गया, तहरान हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपकी जो ये टीम चल रही है 5-8 लोगों की, अगर इनमें से किसी से फड्डा हो जाए, पक्का वाला फड्डा हो जाए, तो ऐसी कौन सी बातें सोच के रखी जो इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फलां, ऐसा कुछ सोच के रखा? ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं। मैंने लास्ट दुआ से पूछा था तो उन्होंने बड़ा बताया था जैन, कि वो बहुत खड़ूस है, उसके बारे में मैं ये बोलूंगी और फलां बोलूंगी, ऐसा कुछ मैं बहुत प्यार करता। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरा, कि मैंने आपको टाइम दिया, आपने मुझे टाइम दिया, ये हमारे सिकंदर भाई हैं, बहुत बड़ा नाम, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा टैलेंट है इनके अंदर, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ पर सीख नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक मकाम है इनका। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, ऐसे ही मजे मजे के सवाल होते रहेंगे। मैं क्या करूँगा बाबा नवाज के नाम से।